कोलंबिया के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है, जहां पर उसको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। एक्चुअली में कैंसर था उसके पेट में रहने वाले परजीवी को, जिसके बाद में उस परजीवी का कैंसर इसकी बॉडी में फैल गया और इसकी मौत हो गई। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 86। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसको बोला जाता है बी माई आई। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ब्लाइंड है या फिर जिनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक है। बेसिकली ये काम कैसे करती है कि उस व्यक्ति ने ये एप्लीकेशन खोली, जिसके बाद में एक वीडियो कॉल लगेगी और कैमरे से वो सामने की चीज़ें दिखा पाएगा उस व्यक्ति को जो इस एप्लीकेशन को चला रहा होगा। या तो वो आप हो सकते हो, अगर आप नहीं हुए तो कोई और होगा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव होगा इस एप्लीकेशन का जो उन लोगों की मदद करेगा। वो बेसिकली पूछना चाहेगा कि आगे मेरे सामने क्या है, जिसके बाद में वो व्यक्ति बताएगा कि तुम्हारे सामने ये है, या फिर कोई चीज़ उसकी गुम हो जाती है तो वो भी ढूंढवाने में कोई व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाल सकते हो, जिसका नाम है बी माई आई। ये बात तो तय है कि जो चीज़ हेल्दी होती है या फिर बढ़िया होती है आपकी हेल्थ के लिए, वो टेस्टी हो, ऐसा हर बार नहीं होता। तो जिस वजह से जापान के अंदर एक कैफ़े है जो सैलेड का भी केक बना के देता है, जो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और आपकी हेल्थ भी बनी की बनी रहेगी। कैनेडियन गूज यानी कि कनाडा की बतख के ऊपर करीबन 20 से 25,000 फेदर्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, जो उसको मदद करते हैं उसकी बॉडी को गर्म रखने में, जो अपना टेम्परेचर 104 डिग्री का मेंटेन रखती है वहाँ पर भी जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जा रखा होता है। अक्सर आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो अपनी कार बाइक्स खड़ी करने के बाद में अकड़ जाते हैं, रह यू गाड़ी यही खड़ी रहेगी, मैं ना हटा रहा इसे। तो इसी तरीके से ब्राजील में भी हुआ था, एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं अपनी गाड़ी नहीं हटा रहा यहाँ से। अब वहाँ पे बनना था फुटपाथ, जिसके बाद में मजदूरों ने कहा ठीक है, तो उसके गाड़ी के साथ में ही फुटपाथ बना के चले गए और उसकी गाड़ी सीमेंट में जम गई। एक मकड़ी की प्रजाति होती है जिसको बोला जाता है एम्ब्रोबियस फेरक्स, और इसी के साथ साथ ब्लैक लेस वेवर स्पाइडर, जो करीबन 100 बच्चों को जन्म दे देती है, और इनको चाहिए होता है खाने के लिए खाना, जिसके लिए वो अंडे देती है जिसको वो बच्चे खाते हैं। और इसी के साथ साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं करीबन 1 महीने के, तब उन्हें खाना चाहिए होता है और भी ज़्यादा, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो खुद से शिकार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी माँ ही उनका शिकार बन जाती है और वो सारे बच्चे उसी को खा लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली उनकी माँ ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है उनकी भूख मिटाने के लिए, जिसको वो अपने जहर से मार देते हैं और उसके बाद उसे खा लेते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जापानीज जापान के अलावा ब्राज़ील में रहते हैं, जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन है करीबन 16 लाख। एक वक्त हुआ करता था जब अफगानिस्तान के अंदर करीबन 40,000 ज्यूइश सिटीजन्स का घर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर सिर्फ एक ही ज्यूइश सिटीजन रह चुका है, जिसका नाम है ज़ेबुलॉन सिमेंटोव, जिन्होंने मना कर दिया अफगानिस्तान छोड़ने से। ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है मलावी, और उसके अंदर एक 15 साल का बच्चा था जिसका नाम था विलियम कमवाबा। वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि वो गरीब फैमिली से था और उसकी फैमिली उसे पढ़ा नहीं पाई, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह पढ़ लिया करता था, जहाँ पे उसने सीखा कि विंडमिल किस तरीके से बनाई जा सकती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है, जिसके बाद में उसने एक कबाड़ से विंडमिल बना दी अपने घर के लिए, जहाँ पर वो फ्री की बिजली जनरेट करने लग गया था। जब वो बना रहा था ये सारी चीज़ें, उसकी फैमिली और आजू बाजू के पड़ोसियों को लग रहा था कि ये पागल हो गया है, नशे वगैरह करता है, पता नहीं क्या बना रहा है पंखा सा। तो जब वो बनाया तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हुई तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई, जिसके बाद में उसने अपनी कम्युनिटी के लिए पंप भी बनाया जिससे ज़मीन में से पानी निकाला जा सकता था, जिसके बाद में उसके इंटरव्यू वगैरह हुए, कई देशों के लोगों ने उसके इंटरव्यू लिए, जहां पर उसको स्कॉलरशिप भी दी गई बाद में पढ़ने के लिए। मारियो की गेम तो आप सभी ने खेली होगी, जिसके अंदर जैसे ही आप मशरूम ले लेते थे तो आपका कैरेक्टर बड़ा हो जाता था और भी पावरफुल हो जाता था, अगर आप 2 ले लेते तो वो आपके गोले फेंकने लग जाता था। तो ये जो चीज़ ली गई है, ये ली गई है एक मशरूम की प्रजाति से जिसका नाम है अमानिटा मस्करिया, जिसको खाने के बाद में आपको भी ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप ग्रो होते चले जा रहे हो। हिल गया। कॉफ़ी विद करण देखने के बाद में आपको ऐसा लगा होगा कि हार्दिक पांड्या की ही फैमिली इस पूरी दुनिया में खुले विचारों की है कि आज मैं करके आया हूँ, ये मेरा शाबाश बेटे। लेकिन 2003 में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे मालूम चला है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो खुले विचारों की है, नीदरलैंड। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चे को मना नहीं करते हैं अगर वो चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के घर रुकना, या फिर लड़की चाहे अपने बॉयफ्रेंड के घर रुकना, जहाँ पर आपको मालूम है वो किस लिए रुक रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। जिस वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर खुले विचारों के, और यहाँ पे पाया गया है
की यूथ प्रेगनेंसी रेट बहुत ही ज्यादा कम है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले, जबकि यहाँ पे खुली छूट है बच्चों को। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं आपको वीडियो डाली भी है।